ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज रामकृष्ण परशुराम अर्जुन आज भेट हो जाती से खंडगिरी पर्वत से खंडगिरी पर्वत तले बही जाऊँ गंडुकी नदी जो पर्वत माल रे आज कोटि कोटि शालग्राम विराजमान करिसंती से झरणा द्वारा बही जाऊँच से गंडुकी नदी की तेणु तापरे आज परशुराम समस्त को कल्याण करी पचारुछंती तुम मानकर सबु भल तो तेणु कृष्ण बलराम कहउछंती सबु भल आमर जरासंद नृपतिर आठ धाड़ी जाक संक्षेपी कहले सविशेष एक एक गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन परशुराम बइलेक तुम्हें विश्ववासी तुम्भ नाम को धरी न सर्वभयनाशी तुम्भ नाम को धरी न सर्वभयनाशी तुम्भ नाम को धरी न सर्वभयनाशी। आज कृष्ण कहउछंती परशुराम को हे परशुराम आमे माने कौ जंगल पुणी कौटी पर्वत कौटी नदी कौटी नाल कौटी पुणी मरुभूमि एमती बुली बुली आमे काल अतिपात करुचु दिन कटौचु। परशुराम पचारुछंती काहीकि तुम्हें गृहरे रहुना कौन पाई तेणु कृष्ण कहउछंती आठ आठ थर धाड़ी दे सारिलानी से जरासंध ए नवम थर पाई से आमको गोड़ौची आमे ताकु पछ दे चली जाऊचु आज एटी तो काली सेठी तो काली पुणी आउ कौटी एमती आमको बहुत दुख देलानी बहुत जातना देलानी। परशुराम कहउछंती काहीकि हे विश्वनाथ हे विश्वपति आपण चाहिले ये कोटि कोटि जरासंध को आपण विनाश करि पारिबे हेले आपण एते कष्ट पाउछंती काहीकि आपण एते कष्ट पाउछंती जेते परशुराम पचारुछंती प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती तुम्बे जे करम कर्ता सृष्टि जात कर महाप्रलय काल रे गर्भ रे संघर राधे गोविंद गाय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। तेणु आज परशुराम कहउछंती तुम्हें होउछ कर्मकर्ता तुम्हें होउछ सृष्टिकर्ता तुम्हें होउछ महाप्रलय आ तुम्हें आदि तुम्हें होउछ अंत। तेणु आज ये सामान्य जरासंध ये जरासंध भय आज आज बण पहाड़ ह्रद आदि केते आड़े बुलुछ कौन पाई तुम्हें चाहिले ए कोटि कोटि जरासंध को विनाश करि पारिबो रामावतारे पाइछ बहु बार कष्ट नवजुबा वयसरे हेलो राज भ्रष्ट राधे गोविंद जय
सत्य पाली तुमे हेलो बन चारी दंड कार न्यूरावण सीता ने हरी राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। तेणु आज परशुराम कहते तुम्हें परा स्वयं नारायण आज भारार निवारण पाई आज द्वापर जमी ये भारा निवारण पाई जन्म नहीं छो सेमी त्रेता जुगर मध्य केते कष्ट केते कष्ट राति पाई राति पाई राजा ही था तो हेले राति पाहिला हेले तमे तमे चौदह वर्ष पाई वनवास चलीगल आउ से चौदह वर्ष वनवासर कष्ट से वनवासर दुख केते कष्ट केते दुख सह्य करिछ से चौदह वर्ष आज सबु जन्म जन्म रे जन्म जन्म रे जन्म नौ छ मर्त्यपुर रे ए भक्त मानक पाई भक्तंकर दुख को हरण करिवा पाई आउ निजे कष्ट सहुछ निजे कष्ट सहुछ आउरी कोन कहउछंती परशुराम पिता सत्य पाली तुम्बे लवन चारी लवन चारी दंड कार न्यूरावण सीता ने ला हरी सीता ने ला हरी राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राम जे जुगे सौमित्री होइतिले अनेक दुखे तुमर सेवा धर्म कले सेवा धर्म कले राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद आज परशुराम कहते हे कृष्ण तमे हूँ से ही राम तमे हूँ से ही राम आउ ये हूँ बलराम हूँ लक्ष्मण जे कि सौमित्री जी आपणकर सेवा करूथिले सान भाई ही आपण सेवा करूथिले तेणु जिते बड़े रावण दंडकारण्य जिते बड़े सीता को हरण करिनेले सेते बड़े केते कष्ट केते दुख सह्य करिछ केते लुह गड़ेछ जेते बेले सीता घेनी आसिल गोसाई वीर बाद्य सुनिण मुगाड़ी जाई वीर बाद्य सुनिण मुगाड़ी जाई वीर बाद्य सुनिण मुगाड़ी जाई हे राम जेते बेले सीता को नहीं आसिल सेतेबेले मु तुमर बाट ओगाळी थिली सेतेबेले तुमे जेतेले अजगब धनु को जहाकु टेकिबार शक्ति कहा पाखरे नथिला जहाकु धरिबार शक्ति कहार नथिला ताकु जेतेबेले आपण भग्न करि देले सेतेबेले मु जानी गली आपण होउछंती स्वयं ब्रह्म स्वयं नारायण सेई दिन ठारु मु सबु किछि त्याग करि देली जो निक्षत्री करूथिली जहाँ को पारुथिली ताकु मारुथिली सबु किछि मोर सेही समय रे ध्वंस हो गला जेतेबेले जानिली आपण जन्म नेइछंती सेही समय रे मो भितरे जो क्रोध थिला से क्रोध संगे संगे भस्मीभूत हो गला आउ सेही दिन ठारु वानप्रस्थ धारण करिछि सेही दिन ठारु सबु किछि त्याग करी एई जंगल रे मु निवास करुछि कोन कहउछंती परशुराम से दिनु वीर बेश मु छाड़िली हे हरी भगवंत दीक्षा घेनी हेली ब्रह्मचारी भगवंत दीक्षा घेनी हेली ब्रह्मचारी
भगवंत दीक्षा घेनी एली ब्रह्मचारी तुम्बकु देखिण मोर उपुजिला श्रद्धा आज उखंडिली मोर जन्म मृत्यु बाधा एबे जन्म मृत्यु बाधा गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन तेणु से दिन ठारु मु से वीर बेश को छाड़ी मन भितर जो अहंकार क्रोध को त्याग करी आज बानप्रस्थ धारण कली ब्रह्मचारी दीक्षार दीक्षित हो बन भितर रही थी आनी दिने ना दिने तुम्हें मो पाख को आसब आम दर्शन आहा सबू ए शरीर भितर अच्छी ए क्रोध काम क्रोध लोभ मोह से सबको ये शरीर भितर अच्छी सबको विनाश करने अपेक्षा करी आपण दर्शन केवल मिल तेणु आज दर्शन कर शरीर में समस्त पातक को आज मुझे परशुराम कहते ये शरीर या समस्त पातक को आज धोईदेली तुम दर्शन में आज जिते बड़े परशुराम कहते आज मुझे अपेक्षा करी आपण के आसबे आपण को दर्शन करने मोर ब्रह्मचारी जीवन सार्थक हो तेणु प्रभु कौन कहते श्रीकृष्ण बोले अरण्य जे घोर एटारे मिलिब काम अपूर्व आहार एठारे मिलिब काम अपूर्व आहार एठारे मिलिब काम अपूर्व आहार तेणु आज परशुराम कहते प्रभु मुझे दर्शन कली समस्त पात को विध्वंस कली एथर चलतु आम मणई करवा जिते मणई करवा कथा कहते प्रभु पचारुंट हे परशुराम आम मणई कौटी करवा ये जंगल रे ए निघंच अरण्य आम कौटू पाइबा सुसाद्य खाद्य कौटू पाइबा तेणु आज परशुराम कहते जहाँ पाखे कोटि कोटि कामधेनु अवस्थान कर अपूर्व बा कौन जहाँ पति होती अन्नपूर्णा तेणु तांकर खाद्य अभाव केमी रशुराम बेक शुण चक्रपाणी कामधेनु प्रसाद सबु पारे आनी कामधेनु प्रसाद सबु पारे आनी कामधेनु प्रसाद सबु पारे आनी परशुराम आज्ञा देले काम धेनुराई मागे श्री हरि भोजन पियाओ तू जाई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन सुनिण कपिला माता भी आई तक्षण महिला पात्र के संचा करिले निर्माण महिला मात्र के संचा करिले निर्माण महिला मात्र के संचा करिले निर्माण चौरासी प्रकार दिव्य भोजमान संच पटातर देवा कुजे नाही स्वर्ग मंच पटातर देवा कुजे नाही स्वर्ग मंच पटातर देवा कुजे नाही स्वर्ग मंच तेणु आज जिते कामधेनु को डाकी से कपिला गाई जहाँ भितर कामधेनु अच्छा तेणु कहिबा मात्र के संगे संगे सुस्वादु खाद्य सबू आसी पहुँची जा तेणु जो सुस्वाद खाद्य सब आसी पहुँची जा कृष्ण बलराम अर्जुन परशुराम आज समस्ते एकत्र बसी से सुंदर सुस्वाद अन्न मान को भोजन करुछंती सुस्वाद खाद्य मान को ग्रहण करुछंती ग्रहण करी तृप्त होती जिते आत्मा तृप्त होते समस्ते एथर विचार करुछंती टिके विश्राम करिनबा
सुवर्ण आसने राम कृष्ण धन जय कृष्णा जी ने विजय कले रेणुका तनय कथाबार्ता होई सुखे रजनी बचिले सुन हे परीक्ष राजा सुकमुनि बोले सुन हे परीक्ष राजा सुकमुनि बोले सुन हे परीक्ष राजा सुकमुनि बोले तेणु आज खाई पी आनंद रे विश्राम ने प्रभु श्रीकृष्ण बलराम अर्जुन एवं परशुराम तेणु समस्ते जो विश्राम यही समय समस्त निद्रा हो जा परशुराम प्रभु श्रीकृष्ण को डाकी एकांतरे किसी कहवापी चाहूंट हे कृष्ण तुम्हें जिते शीघ्र जगह छाड़ी चली जाओ जिते शीघ्र जगह छाड़ी चली जाओ ता ना जरासंद खबर पाई सारे जे तुम्हें माने एठी अच्छ बोली तेणु जिते शीघ्र ठारू चली जाओ आज परशुराम मनर भाव को बुझापी प्रभु श्रीकृष्ण कहते हे परशुराम तुम मुहर ए कथा तो शोभा पाऊनी ए समूले क्षत्रिय वंश को ध्वंस करूला ये पृथ्वी को केते निक्षत्री करूला सेत सामान्य जरासंध सामान्य जरासंध को डरवा डरी आमको चली जावाक कह तेणु आश्चर्य लगुच ए कथा शुणी आमको आश्चर्य लगुच परशुराम जिते परशुराम डाक कहते हे कृष्ण तुम्हें एठार शीघ्र चली जाओ ता ना जरासंध केत मुहूर्त आसी पहुँची जापे सेत प्रभु श्रीकृष्ण टी मन कथा जानवापी परशुराम मनर भाव को जानवापी से प्रकृत भितर वैराग्य भाव आसी कि ना सतरे कौन परशुराम भितर वैराग्य भाव आसी जी जी केते थर ए पृथ्वी को निक्षत्री करी जी निज मार बेक काटिदेला तेणु से ताली हिंसात्मक लोक आज वैराग्य ग्रहण कर प्रकृत से वैराग्य कि ना आज परीक्षा करुचंती पचारुचंती हे परशुराम आज मत आश्चर्य लगुच आज मत आश्चर्य लगुच जी केवल रक्तर होली खेलुला जी केवल रक्तर होली खेलुला सी आज सतरे कौन वैरागी सतरे कौन आज तुम्हें जरासंध को देख भय करुच सामान्य जरासंध को देख तो भय करने कथा नुहे तुम्हें सब कहीं करुच तेणु जरासंध आसु ए कोटि कोटि जरासंध को तुम्हें तो एका गोटे बाण से मारी पार तेणु भय कहीं तुम पाखे आम अच्छू मान आमर भय ना तेणु आज परशुराम कहते हे कृष्ण जेबे ठारु श्रीराम सहित मोर भेट होबे ठारु ए वैराग्य भाव प्रकाश पाई आबे ठारु मु दीक्षित हो जा दीक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी दीक्षा आम पाखरे से हिंसा ना अहिंसा अहिंसा को नहीं दिन जापन करुचु तेणु कौन कहते आज परशुराम परशुराम बोले मु छाड़ी क्षति धर्म सन्यास दीक्षा को नहीं आचरी करम सन्यास दीक्षा को नहीं आचरी करम सन्यासी दीक्षा को नहीं आचरी करम तेजिली मद मसर अहंकार कोप धोली तयने मुई सन्यासी स्वरूप धोली तयने मुई सन्यासी स्वरूप धोली तयने मुई सन्यासी स्वरूप आंभ बड़ी लोक कुजे नशा जइए शरीर रे प्राण थिले लंगई के शरीर रे प्राण थिले लंगई के शरीर के प्राण थिले लंगई के तेणु आज परशुराम कहते हे कृष्ण जेबे ठारु अहिंसा नीति की धारण करी आउ आम पक्ष सबू शोभा देखा जाऊनी
ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବି, ଆଉ ତାର ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବି, ଶେଷରେ ଯେତେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବି, ଆଉ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି ଆଉ ପାପପଙ୍କରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବାଟକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ମାର୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ଅହିଂସା ଧର୍ମ, ସେଇ ଅହିଂସା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି କରିବା କଥା, ଯାହାକୁ ଡାକିବା କଥା, ଯାହାକୁ ଭଜନ କରିବା କଥା, ଯାହାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଭଜନ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶୋଭବନ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏ ଶୋଭା ଦିଶିବନି। ତେଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯାଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ହରି ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଏଠି ଥିବା, ଦୂରରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ଦେଖି ପଳାଇ ନ ଯିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ପର୍ବତେ ଉଠିଣ ବାଟ ଯାଇଥିବା ବସି, ନିକଟକୁ ଅଇଲେ ଯେ ଯାଇକି ନା ଖସି, ନିକଟକୁ ଅଇଲେ ଯେ ଯାଇକି ନା ଖସି, ନିକଟକୁ ଅଇଲେ ଯେ ଯାଇକି ନା ଖସି। ତେଣୁ ଆଜି ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପରଶୁରାମ, ଏବେ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପର୍ବତ ତଳୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଆସିଗଲେ, ଆମେ ଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଜରାସନ୍ଧ 18 ଥର ଧାଡ଼ି ଦେବ, 18 ଥର ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 18 ଥର ପରେ ଆଉ ସେ କେବେ ଧାଡ଼ି ଦେବନି। ତେଣୁ ଏ 18 ଥର ତାକୁ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ଆସିବେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା, ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ଭଜ।